सन्मति है कि नहीं खुद फैसला कर। हम नहीं बता सकते कि आप जन्नती हैं कि नहीं, कोई मौलवी नहीं बता सकता आप जन्नती है कि नहीं, कोई पीर साहब भी नहीं बता सकता कि आप जन्नती है कि नहीं। आज का माहौल क्या है, पीर का दामन पकड़ लिया जन्नत में चले गए, एक चादर चढ़ा दिया जन्नत में चले गए, एक मतलब खिचड़ा पका दिया जन्नत में चले गए। अरे मेरे भाई, क्या जन्नत इतनी सस्ती है? जन्नत इतनी सस्ती है कि एक चादर से जन्नत मिल जाए? अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मैदान करबो भला में इमाम हुसैन अपना गर्दन ना कटा। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मैदान करबो भला में इमाम हुसैन अपने जिंदे की कुर्बानी पेश ना करते। अरे इमाम हुसैन सरदार चक्रक हो, सरदार चक्रक हो, मैदान करबो भला में अपनी जान की बाजी नहीं बल्कि अपने जिंदे की सोचते हैं कि हम जन्नत में मजार में जाके खाना वाले नाला पूरा अकीदा हमारा नारे में बंद हो गया, पूरा अकीदा हमारा धागे में बंद हो गया। अकीदा धागे में बंद करने के लिए नहीं, अकीदा दिल में जगाने के लिए हो रहा है। जन्नत को इतनी सस्ती मत समझो, सही बात, दिल से कभी पूछो। मन मन नफ्सा अनिल हवा फाइनल जन्नत ही अलमावा, कुरान का फैसला, कुरान का फैसला है। आप खुद फैसला कर सकते हो आप जन्नती है कि नहीं, दूसरा नहीं बता सकता आपके बारे में। जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, ये तो मेरे आका की शान है, ये तो मेरे आका की शान है कि मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर जन्नती है, फारूक के आजम जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, अल्लाह जन्नती है, जुबैर जन्नती है, मेरे आका की ये शान थी कि मेरे आका सिर्फ जन्नती बताते ही नहीं है, मेरे आका और सिर्फ तकसीम नहीं करते थे, जब तक की सरदारी अदा करते, जब तक की सरदारी अदा करते थे, तभी तो मेरे आका ने इमाम हसन को सरदार बना दिया, इमाम हुसैन को सरदार बना दिया, और हजरत फातिमा को जन्नत की औरत को सरदार बना दिया। मेरे आका को ये शान थी,